जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे। साथियों, प्रतिदिन की तरह जो आज की सीसीएस यूनिवर्सिटी की न्यूज है वो मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं। आप लोगों के काफी सारे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उनके भी आंसर करने वाला हूं। आज की वीडियो बहुत खास होने वाली है, काफी सारे टॉपिक पर हम डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि आज की जो अपडेट है काफी सारी अपडेट भी है। तो वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा, और यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए साथियों, बिना किसी देर के करते हैं आज की वीडियो को शुरू। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट मैं आपसे करना चाहूंगा कि यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। सीसीएस यूनिवर्सिटी जुड़ी कोई भी अपडेट होती है सबसे पहले मैं आप तक पहुंचाता हूं इस चैनल के माध्यम से। तो साथियों, सबसे पहले बात करते हैं जो आप लोग मेरे से कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसके बारे में। तो साथियों, जो बच्चे सबसे ज्यादा परेशान हैं वो है अपने रिजल्ट को लेकर, जिनका फाइनल ईयर का रिजल्ट डिक्लेयर होना है या सेकेंड ईयर का जो प्रमोट का रिजल्ट डिक्लेयर होना है उसके लिए। तो साथियों, जो प्रमोट का रिजल्ट है, प्रमोट का रिजल्ट भी अब बहुत जल्द डिक्लेयर होने वाला है। यानी कि जैसे आपका थर्ड सेमेस्टर है, आपका जो फिफ्थ सेमेस्टर है, तो उनका जो प्रमोट का रिजल्ट है वो भी बहुत जल्द डिक्लेयर होने वाला है। वो रिजल्ट ऑलमोस्ट तैयार हो गया है, तो उसको लेकर बच्चे काफी चिंतित है, तो उसको लेकर परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा है, फाइनल ईयर का रिजल्ट अभी तक डिक्लेयर नहीं हुआ है। यानी कि जो हमारा फाइनल ईयर का है बीएससी को छोड़कर, अभी बाकी कोर्सेज का रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ है, बीकॉम का, बीए का। तो इस चीज को लेकर बड़े परेशान है बच्चे, क्योंकि काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है, पीजी के लिए एडमिशन की प्रक्रिया भी स्टार्ट होनी है, तो उसको लेकर काफी चिंतित है। तो साथ ही जो हमारा फाइनल ईयर का रिजल्ट है, जो हमारे कोर्सेज है, बीए है, बीकॉम है, या जो हमारे सेमेस्टर मोड के कोर्सेज भी है, उनके फाइनल सेमेस्टर का रिजल्ट है, वो बहुत जल्द डिक्लेयर किया जाएगा। यानी कि हो सकता है आज या कल में वो रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। मैक्सिमम आपका 22 तारीख तक रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा, जो यूनिवर्सिटी की तरफ से कहा जा रहा है। तो 22 तारीख तक आपका जो फाइनल ईयर का रिजल्ट है जिसको लेकर आप चिंतित हैं वो डिक्लेयर कर दिया जाएगा। अब इससे आगे बात करें, जो हमारा एलएलबी के लिए जो एडमिशन के लिए बच्चे पूछ रहे हैं कि सर एलएलबी 3 ईयर के लिए जो एडमिशन की प्रक्रिया है वो कब से स्टार्ट की जाएगी। तो एलएलबी 3 ईयर के लिए जो एडमिशन की प्रक्रिया है उसमें अभी टाइम लगने वाला है। यानी कि अभी जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता है तब तक आपका जो पोर्टल है ओपन नहीं हो सकता है। तो यानी कि जो एलएलबी 3 ईयर के लिए जो एडमिशन की प्रक्रिया है वो आपका लगभग अक्टूबर के फर्स्ट वीक में ही स्टार्ट की जाएगी। इससे आगे जो बीएड की काउंसलिंग चल रही है, 17 तारीख से जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट थे उसमें अब एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। तो बीएड के लिए मैंने आपको बताया है बहुत सारे कॉलेज हैं जो कि आपके आपके 25,000 रुपए पर ईयर में, 20,000 रुपए पर ईयर में आपका एडमिशन ले रहे हैं। और साथ के साथ जो आपका एससी एसटी है उसमें बिल्कुल जीरो फीस पर एडमिशन हो रहा है, यदि आपके ग्रेजुएशन में 55% है। तो यदि आपको भी बीएड में एडमिशन लेना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक लिंक दिया हुआ है सक्षम स्कॉलरशिप के नाम से, वहां पर जाकर आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो हमारी जो टीम है वो पूरी तरीके से आपको गाइड करेगी किस तरीके से आपका एडमिशन कहां कितनी फीस में हो सकता है। अब इससे आगे बात करें, जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जिसके लिए बच्चे काफी परेशान है, चिंतित है, वो है आपका जो हमारे फॉर्म भरे जा रहे हैं एक्स और बैक के, उसके बारे में। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट और करूंगा कि यदि आपने अभी तक फेसबुक पेज को लाइक नहीं किया है तो फेसबुक पेज को जरूर लाइक कर लीजिएगा। वहां पर आपको जो जितने भी न्यूज़पेपर की कटिंग है, जो अपडेट है पूरे ऑल ओवर इंडिया की शिक्षा जगत से जुड़ी हुई, वो सब आपको वहां पर मिलती रहती है। और साथ के साथ इंग्लिश ग्रामर की चीजें भी वहां पर आपको मिलती रहती है, स्टडी मटेरियल भी आपको मिलता रहता है। तो इसलिए फेसबुक पेज को आप जरूर लाइक कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है फेसबुक पेज का। तो साथियों, अब आगे बात करते हैं, जो हमारे एक्स और बैक के लिए फॉर्म भरे जा रहे हैं, स्पेशल के लिए फॉर्म भरे जा रहे हैं, उसकी आज लास्ट डेट है। तो यदि आपने अभी तक अपना फॉर्म नहीं भरा है तो फॉर्म को आज अपना जल्द से जल्द फिल कर लीजिएगा। और यदि किसी कारणवश फिल नहीं किया जाता है तो फिर हो सकता है प्रॉब्लम हो जाए, क्योंकि आपकी जो डेट है हो सकता है आगे बढ़े और हो सकता है डेट आगे ना बढ़े। चांसेस है डेट बढ़ सकती है, लेकिन अभी आज की डेट है तो आप अपना फॉर्म जो है आज ही फिल कर लें तो ज्यादा बेटर रहेगा। डेट नहीं बढ़ती है तो फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो मैं आपको सजेस्ट यही करूंगा कि आज अपना फॉर्म फिल कर लीजिएगा, यदि आपको भी एक्स या बैंक का फॉर्म फिल करना है। तो साथियों, ऑलमोस्ट मैंने सब सारी चीजें आपको क्लियर कर दी है। यदि अभी भी कोई आपका डाउट या क्वेश्चन रह गया है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं कल उसको वीडियो में बताने की पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए साथियों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।